एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग मेरी हो चुकी है और मॉर्निंग में उठते ही मेरा एक काम अब हो गया है करने का कि फेस वॉश करने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे दाने कितने निकले हैं, कितने अंदर गए हैं। तो यही रह गया है ज़िंदगी में, और कुछ नहीं रह गया। तो चलो कोई ना, चलती हूँ। ब्रश मेरे हो गए हैं, थोड़ा सा गर्म पानी लेती हूँ और देन चाय और जो भी नाश्ता रहेगा। तो मिलती हूँ आपको कुछ देर बाद मैं। तो गाइज, यहाँ पे ना कुछ लोगों को मेरी खुशी हज़म नहीं हो रही, उनको अच्छा नहीं लगता मैं ऐसे सिंपल सादे व्लॉग बनाऊँ। उनको चाहिए तड़का और मसाले, जैसे कि सब लोग सब्जी में दाल में तड़का लगाते रहते हैं, सब्जी में लगाते रहते हैं, तो इस तरीके से उनको तड़का चाहिए होगा। तो यही होता है यार, और मैं भी देख रही हूँ ना यार, इन लोग गजब हैं। मतलब क्या है यार, मेरी सिंपल लाइफ है, क्यों नहीं आपको नहीं पसंद आ रही? आपको तड़के और कुछ खाने को दूं तभी समझ में आएगा। मतलब कि आपको क्या लगता है कि मैं जवाब नहीं दे सकती? मैं आराम से जवाब दे सकती हूँ। और आप लोग क्या है? मतलब मिलता है क्या है यार, लोगों को बुराई करके और फालतू कमेंट करके? खुश रहो ना भैया अपने लाइफ में। मैं आपसे मतलब नहीं रख रही हूँ, आप मेरे से मतलब नहीं रख रहे, तो क्या लेना देना? मैं ना आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हो। अगर जानते भी हो तो अपनी लाइफ में खुश रहो। क्यों आपको मेरे टाइम मतलब लाइफ में टांग लड़ाना है भाई? मैं आपसे कुछ कहने आ रही हूँ, कुछ लेने आ रही हूँ, कुछ देने आ रही हूँ, क्या करने आ रही हूँ? लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, उनको चाहिए मसाला तो मैं मसाला दूंगी, टेंशन मत लो, आपको अच्छे से दूंगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं काम करके फ्री हो चुकी हूँ और बस एक काम और बाकी, उसके बाद नहाना धोना देन फ्री। और गाइस, मैं ना इसलिए वीडियो ऐसे बनाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि देखो यार, एक कमेंट आया था मुझे सुबह में, और सुबह में आया था लेकिन मैंने पढ़ा है 10 बजे, क्योंकि मैं नाश्ता वास्ता करके ऐसे बैठी थी तो मैंने ऐसे मोबाइल थोड़ा सा लिया चलाने के लिए। वैसे तो काम वाम करके जब मैं बेड पे पढ़ती हूँ ना तब कमेंट भले पढ़ लूँ, नहीं तो मैंने इतना सुबह नहीं पढ़ती क्योंकि इग्नोर करती हूँ। कभी कभी ना निगेटिव कमेंट कुछ आते हैं, स्टार्टिंग में करती थी, सुबह उठते ही कमेंट पढ़ती थी, लेकिन अब नहीं पढ़ती क्योंकि देखो अच्छे लोग कमेंट करते हैं तो मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन ख़राब लोग कमेंट करते हैं ना तो फालतू में सुबह सुबह उठो तो ये सब चीज़ें मैं निगेटिव चीज़ों से, जैसे कि आपको बताती हूँ मैं दूर रहती हूँ, तो मैं ये चीज़ें थोड़ा दूर रखती हूँ अपने आप को। और जहाँ तक अच्छी आदत ये है कि उठते ही मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें ये इग्नोर करती हूँ। तो आज कमेंट आया था, मैंने 10 बजे पढ़ा आई थिंक, तो शायद उनका कुकिंग का चैनल है और पता नहीं क्या नाम था। मैं ना नाम पे टाइम कमाई ना मैं उनका वीडियो प्रोफाइल खोल के देखी, मैंने ऊपर ऊपर से बस देखा तो मुझे लगा आई थिंक कुकिंग का था, कि फेक भी हो सकता है मुझे नहीं पता। तो अगर कुकिंग का चैनल है, इन्होंने कमेंट किया था कि मैं जानती हूँ आपके ससुराल वालों को, आप झूठी तारीफ मत क्या करो। तो सॉरी जो अभी हैं आप, मैं आपके कमेंट ना पिन करूँगी ना आपके आपके चैनल का नाम लूँगी ना आपका चैनल यहाँ पे मैं कमेंट लिखूँगी, क्योंकि अगर मेरे सपोर्टर भी आपको किसी भी थ्रू मतलब जैसे गाली देने या फिर बोलने कुछ जाएंगे तो आपको व्यूज़ मिलेगा, और सॉरी मैं वो आपको नहीं देना चाहती। तो आपने अच्छी ट्रिक अपनाई थी लेकिन सॉरी मेरे सामने फेल हो गई, और मुझे पता है कि कहाँ पे क्या रिएक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ना अभी 10 दिन पहले ही मुझे एक मेल आया था, जैसे सबको मेल आया था वैसे मैं भी एक पर्सन हूँ, मुझे मेल आया था ठीक है, लेकिन मैंने उस पर आप लोगों ने देखा मैंने एक भी रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उस मेल के पीछे क्या चीज़ें थी, तो मैं जानती हूँ उस जब मुझे मेल आया ना तभी मुझे अंदाज़ा लग गया था कि इंसान करना क्या चाहता है। तो इतना तो मुझे भी पता है कि इंसान किसको क्या हाँ किधर मोड़ रहा है, और प्लस ये तब भी था कि मैं कोई उस इंसान की कोई भी चीज़ जल्दी डिस्कस नहीं करना चाहती, और मैंने बोला भी था कि मैं आपके मैटर में कोई अब से नहीं बोलूँगी चाहे जो भी हो, क्योंकि यार ठीक है सबका अपना अपना चैनल है, अपना ट्रिक है चलाने का, और मुझे किसी पे कोई कमेंट नहीं करना है। हेटर्स के लिए बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद है तो मत देखा करो, लेकिन वीडियो देखना भी है आपको, कमेंट भी आपको करना है, तो ये तो जलन वाली बात हो गई ना यार। मैं तो जिसको पसंद नहीं करती, मेरा तो यही सीधा फंडा यही रहता है कि मैं जिसको नहीं पसंद कर रही हूँ मैं उसको नहीं देखूँगी, मैं उसके बारे में नहीं बात करूँगी ना, उसके बारे में सामने वाला कोई बात करेगा तो सुनना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे दिलचस्पी ही नहीं है उस बातों में, तो मैं नहीं बैठती वहाँ से, उठ के चल देती हूँ।
वहाँ पे टाइम गंवाने से अच्छा है कि आप कुछ कर लो, ठीक है। तो मैं, मेरा यही है, और बाकी और लोगों का मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ लोगों को बुराइयाँ करके और कुछ बातें डिस्कस करके बड़ा मज़ा आता है, तो मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ ही नहीं कि बैठ के मैं बुराइयाँ करूँ, अरे नहीं ऐसे नहीं वैसे ये वो, मतलब नहीं यार नहीं। और देखो ना, मैं किसी चीज़ को दिखाना चाहती हूँ या कुछ को, देखो मेरा जो है यार, मेरी लाइफ में जो चल रहा है मैं उसी में परेशान हूँ, चाहे खुश हूँ चाहे जो भी चीज़ें हैं, मैं उसको फील कर रही हूँ। अब मुझे वही, मैं उससे बाहर ही नहीं निकली हूँ, तो मुझे और लोगों का क्या देखेगा, ठीक है। हाँ मुझे बस ये है कि जिसने जो भी किया है मेरे दिमाग में सेट है, ठीक है, और मैं वो चीज़ें कभी नहीं निकालूंगी, मुझे याद रहेगा सारी चीज़ें। बाकी और उस जलन में मैं चलूँ बुराई करूँ तो ये सब चीज़ें मैं नहीं करती, चीप हरकतें, क्योंकि ये ना घटिया लोग करते हैं और मैं घटिया इंसानों में अपनी गिनती नहीं करती। रही बात कम ऑन कैमरा बोलना बहुत मुश्किल होता है, और पीठ पीछे बैठ के कमेंट करना बहुत आसान होता है, और वो हर कोई कर लेता है। हर आप आज के ज़माने में ना आपको 95% लोग ऐसे मिलेंगे जो बैठ के बुराई कुछ राय ये वो करना पसंद करते हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं उन भीड़ों में से नहीं हूँ। मैं भीड़ चाल ये नहीं चलती कि किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया तो मैं बैठ के उसी की बुराई करती हूँ, नहीं, मेरी आदत नहीं है, मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं है। मैं अकेले टाइम बिताना पसंद करती हूँ, अपने काम के प्रति क्या है, मुझे क्या करना है वो चीज़ें। और यार देखो, लाइफ में मेरे बहुत चीज़ें हैं, एग्ज़ाम है मेरा, प्लस वीडियो है, और भी चीज़ें हैं जो मैं नहीं शेयर करना चाहती अभी, तो मैं उसको टाइम देना चाहती हूँ, ठीक है ना, अपनी पढ़ाई को, वीडियो को और चीज़ों को टाइम देना चाहती हूँ, ना कि ऐसे लोग पे डिस्कस करके अपना टाइम ख़राब करके मैं इसको वैल्यू दूँ। तो इस वजह से मुझे नहीं है, इतना दिलचस्पी नहीं है किसी के बातों में। और सच बताऊँ तो मैं फ़ोन कॉल से भी कम बात करना पसंद करती हूँ, बहुत कम बात नहीं करती हूँ मैं फ़ोन से बात, पता नहीं क्यों, मुझे ना बहुत गिने चुने लोग हैं जिससे मैं फ़ोन से बात करना पसंद करती हूँ, जिससे वाइब्स मुझे अच्छी आती हैं, जैसे पॉजिटिव आती हैं, तो मैं उनसे बात करना पसंद करती हूँ। और बाकी जिसको बात कर, जो फ़ोन करके बस बुराई करता है या वो, मैं नहीं, दूरी बना लेती हूँ उससे, क्योंकि देखो यार संगत का असर बहुत पड़ता है। और रही बात मेरे ससुराल की, तो आपके ऐसे बोलने से मैं ससुराल की बातें बंद नहीं करूँगी, अगर मुझे करना होगा तो मैं करूँगी, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस उनका अच्छा था और उनका भी मेरे साथ अच्छा था। जहाँ बुरा भी है तो वहाँ पे भी बोलूँगी, ठीक है। और बड़ा आप एक दो लोगों के आके पिन करने से मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि उस टाइम भी बहुत सब कुछ लोगों ने बहुत पिन किया था मुझे, जब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर किए थे, ठीक है, कि आप क्यों चली आई, आप ऐसी हैं वैसी हैं, अपने फादर इन लॉ को छोड़ के चली आई, उनकी तबीयत ख़राब थी, आप नहीं समझी क्या हुआ था उनको, चलो क्या हुआ था वो तो ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें थी जो लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया मेरे से, और आपको जाना चाहिए वहाँ पे, आपको सासू माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अरे कंडीशन मुझे पता है कि वहाँ की क्या कंडीशन है, सासू माँ आई नहीं है तो मैं क्यों चली जाऊँ वहाँ पे, कौन है मेरा कि मैं ससुराल चली जाऊँ वहाँ पे, और अगर सासू माँ आई भी तो मुझे कितना क्या करना है क्या नहीं करना है, माहौल मैं समझती हूँ, आप लोग तो वही चीज़ें समझोगे जो मैं बताई हूँ, ठीक है, लेकिन क्या वातावरण है वहाँ का, क्या नहीं है लोगों का, देखो यार फेस से पता चल जाता है कि कौन हमें पसंद करता है कौन नहीं पसंद करता, और क्या था हम वहाँ पे, हर चीज़ें नहीं हम डिस्कस करते हैं, वही चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे पापा को हाँ कोरोना हो गया था, पापा एक्सपायर कर, अरे क्या हुआ था कोरोना के बीच में, और गांव से आए कोरोना हुआ क्या हुआ उसके बीच में, क्या क्या चीज़ें हुई, फिर मैं गई वहाँ पे, फिर क्या हुआ, ये चीज़ें तो मैं जान रही हूँ ना, तो लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे कमेंट आया था, और उस टाइम मम्मी ने मना कर रखा था कि अभी मत डिस्कस करना ये सब चीज़ें,
क्योंकि मम्मी को लगा कि पापा ठीक हो जाएंगे तब बता देना, तो इस वजह से मैंने डिस्कस नहीं किया। लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको डिस्कस करने में। लेकिन मैं ससुराल का मैटर या किसी चीज़ का मैटर उठाती नहीं हूँ, लेकिन जहाँ बात आएगी तो मैं एक दिन आप लोगों को वो चीज़ें भी बता दूँगी कि उस टाइम क्या कंडीशन थी और क्या था। क्योंकि यार देखो, आप लोग का भी पूछना बनता है, क्योंकि आप लोग भी देखते थे पापा मम्मी को, पसंद करते थे चीज़ें, तो आप लोग के मन में भी सवाल उठते थे। तो लेकिन मैं जब आपको बताऊंगी चीज़ें तो आप उससे रिलेट कर पाओगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी ससुराल में, जो मैं ऐसे मुझे आना पड़ा और पापा कैसे क्या हुआ। मैं सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ऐसे बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो यार किसी को बिना सोचे समझे जाए उनको ब्लेम करना या मुझे ब्लेम करना ये अच्छी आदत नहीं है। आप कम से कम इतना अपने आप के अंदर धैर्य बना के रखा करिए कि यार मैं कोई चीज़ें जानूं तब बोलूं, वरना मत ना बोलूं तो सही है। और यही सही भी होता है यार, किसी के बारे में पूरी चीज़ जान लो, जब अपनी आंखों से देख लो तब चीज़ें करो तो सही रहता है। और ऐसे बिना देखे समझे किसी के बारे में इल्ज़ाम लगा देना, किसी को कुछ बोल देना सही नहीं है। तो चलो मैं जल्दी शेयर कर दूँगी, कोई इतना खास चीज़ है नहीं उसमें कि छुपाने वाली। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। अब मैं जाती हूँ, काम कर लेती हूँ या नहा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाय बाय।